एयरलाइन में काम करने के बाद अब एयरलाइन में तो मैं काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे घर में आते रहते हैं बहुत सारे पैकेजेस। अभी बज रहे हैं रात के करीबन 12:30 और मेरा शूटिंग का टाइम हो रहा है बिकॉज़ फैमिली सो गई है। तो एक मदर का रोल भी अदा करती हूँ, एक वाइफ का रोल भी अदा करती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, रिकॉर्डिंग, शूटिंग, मॉडलिंग, इधर उधर जाना आना, मीटिंग्स करना और घर का ख्याल रखना। और फिर जब फैमिली सो जाती है तो वो टाइम होता है मेरा अपनी अनबॉक्सिंग्स का प्लान करने का। तो मेरे पास दो पैकेजेस आए हुए हैं जिनकी मैंने वीडियोज़ बनानी है, रील्स बनानी है, उनका कॉन्टेंट बनाना है, जो भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेरा रात को ये जो टाइम होता है वो सारा काम का टाइम होता है। तो देखो इस टाइम पे मैं इतना तैयार होकर अपना काम करने लगी हूँ। तो चलिए आज आपको मेरी एज एन इन्फ्लुएंसर लाइफ से भी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो इनको उठा के वन बाय वन मैं अपनी रूम में लेके जा रही हूँ बिकॉज दिस इज़ द रूम आई शूट माई वीडियोज़ इन। तो यहाँ पर अब मैंने रखा है इस वन पैकेज को, अब दूसरा वाला लेने चलते हैं। अब दूसरे वाला पैकेट जो है वो हैवी है, उसको ड्रैग करके लाना पड़ेगा, पहले टूटा पड़ा बेचारा। और इसको उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, इट्स क्वाइट हैवी। रुको, उठेगा नहीं ये, तो इसको ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा। ओ बाप रे बाप, ये तो भारी है। इसको धक्के मार रही हूँ रात को। चलिए ये भी आ गया। सो फाइनली ये दोनों पहुंच गए मेरे कमरे में और अब सेटिंग करनी है मैंने अपनी स्टैंड की। ये लाइटें कुछ मैंने ऐसे यहाँ पे लगा रखी हैं, कुछ मैं लाइटें और ऑन करूँगी, जैसे वो वाली है और एक और लाइट है यहाँ पे। इसको लाइट को सेट करती हूँ, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करूँगी। सो अभी रात के टाइम पे शूटिंग करने का एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि डे लाइट बाहर से नहीं आ रही होती, डिपेंड करना पड़ता है इस तरह की लाइटों से जो बहुत शार्प होती हैं और शेडोज़ बनती हैं। तो एक तरफ इसको मैंने इनडायरेक्ट लाइट की तरह यूज़ किया है और इधर थोड़ी सी मेरे ये जो मेकअप वाली लाइट है उसको ऑन कर लिया है, इसी पर डिपेंड कर रही हूँ। लेट्स सी अभी फेस कैसा लगता है इसको यहाँ पर लगाने के बाद। सो यही बेस्ट रिजल्ट अभी लाइटिंग का बन पा रहा है, बट एनीवे दिस इज़ गुड। सो कोई भी वीडियो बनाने से पहले मेकअप लगाना, बाल बनाना, कपड़े राइट पहनना, उसके बाद वीडियो की प्लानिंग करना, पेपर पेन लेके पूरा उसके बारे में लिखना कि कौन सी चीज़ के बारे में क्या मद्देनजर रख के वीडियो को बनाना है, क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर भी मतलब इट्स नॉट ईजी। आपको पता है कितना कंपटीशन है, कितनी चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट बनाना होता है। पर आई ऑलवेज पुट माई पर्सनैलिटी थ्रू माई वीडियोज़। मैं बहुत कैजुअल इंसान हूँ और मैं उसको कैजुअली रखना पसंद करती हूँ। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करती, इसको खोल के देख लेते हैं इसके अंदर आया क्या है। सो आई बी जस्ट डूइंग दिस। मुझे ज़्यादा इसको फैंसी फैंसी नहीं करना, ठीक है। तो पहले तो मेरे पास जो आया है पैकेट, इसके अंदर है कुछ एक्टिव वेयर, उसकी वीडियोज़ बनानी है। तो इसको मैं खोल लेती हूँ क्योंकि इसको आयरन की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सबसे पहले ना मुझे क्या करना पड़ता है, कोई भी पैकेज जो आता है ना, बिलीव यू मी, पहले उसको खोल के मुझे प्रेस वाले को देना पड़ता है ताकि वो सारे ड्रेसेस को प्रेस करके लेके आए, क्योंकि बिना प्रेस के मैं उनको पहन के वीडियो नहीं बना सकती। तो जब वो पैकेज आया, मान लो आज आया, तो उसको मैं आज खोलूँगी, पहले प्रेस के लिए दूंगी, फिर वो जब नेक्स्ट डे रात तक वो वापस देगा, उसके बाद ही उसकी वीडियो बनती है। तो थैंक गॉड इस वाले में वो मतलब जरूरत नहीं है। और मेरा क्या है, बिकॉज आई डोंट शो माई स्किन मच इन माई वीडियोज, आई ट्राई टू कीप इट यू नो मॉडर्न बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्टफुल, क्योंकि मेरी फैमिली भी देखती है या काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे ज़्यादा स्किन शो करना अच्छा नहीं लगता। बट ये एक्टिव वेयर भी जो मैं चूज़ करती हूँ उसको मैं उस तरह से पोर्ट्रे करती हूँ या दिखाती हूँ वीडियोस में जिसमें कि वो वल्गैरिटी की तरफ ना हो। आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनी बडी बट आई एम जस्ट गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे मेरे लिए क्या ठीक लगता है। सो मेरे पास क्या आया है मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ वन लैगिंग फ्रॉम ग्लो मोड। इनके साथ मैं कुछ टाइम से इनको मतलब इनके जो भी कपड़े मेरे पास आते हैं मैं उनको रिव्यू करती हूँ इनके लिए। तो ये इसकी लैगिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सॉफ्ट है और अंदर से भी देखो आप बहुत ही मक्खन मलाई जैसा कपड़ा है ये,
और मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, मतलब डिफरेंट कलर्स में मेरे पास है एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा पीस भी आपको दिखाती हूँ। सेकेंड पीस आया है ये प्यारी सी, आई थिंक ये टी जो है ये पहले भी मेरे पास थी, ये मैंने ऑर्डर नहीं की है, ये अपने आप उन्होंने भेज दी है गॉड नोज, बट ये पूरी बाजू की है विच इज़ गुड। तो आई थिंक एज अ सेट मैं इन दोनों को यूज़ कर सकती हूँ पहनने के लिए, जिम के लिए, वॉक के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ वेरी गुड चॉइस। और पहले मेरा साइज एक टाइम पे एक्सेल पहुँच गया था एंड लकीली अब वापस मैं एल साइज पे आ गई हूँ, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सो द नेक्स्ट वन वी हैव, ये भी एक्टिव वेयर एक जैकेट की तरह है जिसे आप जिम में पहन के अच्छे से जा सकते हो। ये ब्लैक कलर की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने दूसरा कलर ऑर्डर किया था बट ब्लैक आ गया, कोई बात नहीं। और ये भी क्वाइट कम्फी है, मैंने एल साइज ऑर्डर किया था पर आई थिंक ये लूज फिट है तो ये मुझे थोड़ी सी मेरे हिसाब से लग रहा है कि बड़ी है, बट इट्स ओके। और ये हुडी टाइप है, आगे से जिप है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, हाय वेरी नाइस। तो इनको ना मैं पहले क्या करती हूँ, कपड़ों को निकाल के रेडी करके रखती हूँ, तो उसके बाद मैं थीम आउट करती हूँ कि जो मैंने रील्स बनानी है इंस्टाग्राम के लिए या मान लीजिए टिकटॉक बनाना है उसकी प्रॉपर थीम करके, फिर शूटिंग कहाँ करने जाना है उसका पूरा प्लानिंग करती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है जो मैं आज आपको करके दिखा रही हूँ, एंड डोंट टेल मी दैट दे सेंड मी टू सेम कलर्स, डज इट लुक सेम टू यू? नो, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे दिखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं, दोनों लेगिंग्स ही हैं। चलो कोई बात नहीं, जो आया अच्छी बात है क्योंकि हमने इनका रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू डालना होता है, सो इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं डेफिनेटली भेजूंगी। दोनों कलर्स प्यारे हैं, नो डाउट अबाउट इट। सो अभी हमारे पास दो लेगिंग्स हो गई हैं, एक हमारे पास टी शर्ट की तरह कुछ है, टी शर्ट नहीं है ये, इट्स अ टॉप, ठीक है, एक्टिव वेयर। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या? इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, coolmax.com कुछ लिखा हुआ है, सॉफ्ट एक्स, सॉफ्टनेस बाय डिज़ाइन, ठीक है, इट्स नाइस एंड सॉफ्ट फैब्रिक, ठीक है ना। तो ये हो गया, अभी नेक्स्ट वाले को भी खोल के देख लेते हैं व्हाट इज इन देयर। ओके, इसमें हमारे पास आया है ये पूरा कंप्लीट बॉडी सूट की तरह है ये, बट दिस इज जिम वेयर ऑल्सो एंड इट इज़ एल साइज एंड ब्राउन कलर, इट्स वेरी वेरी प्रिटी। तो एक ये है, इसको मैं पहन के ट्राई करूँगी बाद में, नॉट नाउ। और इसके बाद हमारे पास है वन मोर शूज, ये मैंने ना उसके साथ सेट के साथ किया था ऑर्डर। दिस इज़ यू नो दिस इज़ नॉट लेगिंग्स, लेकिन ये मोर ऑफ लाइक अ पजामा, जिम वेयर पजामा, डोंट नो द नेम, आई एम टू फनी, ओ लॉर्ड आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, आई एम टू फनी। चलो कोई बात नहीं, सो दिस इज़ व्हाट इज़ विद दैट वन, दिस वन विद दैट वन, ओके। सो उसके बाद और भी है हमारे पास सामान, दिस इज अ गुड थिंग। उसके बाद हमारे पास एक और जैकेट टाइप कुछ आया है, आई थिंक इट्स वेरी टाइट फिट, ये मेरे पास पहले भी आया था, एल साइज है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना यहाँ से टमी से फिट है, बट इट लुक्स वेरी गुड, यू नो। सो एक ये है हमारे पास, व्हाट एल्स वी हैव, येस आई रिमेंबर वी ऑर्डर समथिंग वाइट ऑल्सो, सो वी गॉट समथिंग वाइट ऑल्सो हियर, इट इज़ ऑल्सो वेरी टाइट फिटिंग। सो चलो एक वाइट आ गया, एक ब्राउन आ गया, नॉट बैड। देन वी हैव गॉट, हियर वी गो, अच्छा ये उसका सेट है पूरा, यू नो, सो दिस वन इज फॉर द टॉप एंड वी गॉट द बॉटम हियर, तो ये पूरा सेट था। ओके, वेर इट इज़, आई गॉट इट, सो ये सेट है, यू नो दिस इज़ अ सेट, सो ये सेट है। सो
तो ये सारी चीजों को मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी इतना खिलार मच गया है, सारा संभालूंगी मैं. आई एम लूजिंग माई वॉइस. सो इस सारे को भी मैं संभालूंगी, कपड़ों के टैग्स को काटूंगी, इनको मैं रेडी करके रखूंगी, फिर मैं माइंड में प्लान करूंगी कि मैंने इसको पहन के क्या रील्स वगैरह बनानी है. एंड देन वी प्लान द शूट. आउटडोर शूट्स मोस्टली हम लोग करते हैं, कभी पार्क में, कभी जिम में, कभी कहीं जाके किसी अच्छी लोकेशन पे. सो दिस इज़ हाउ वी प्लान. एंड आई हैव गॉट अ टीम नाउ ऑल्सो हु हेल्प्स मी टू डू ऑल दिस, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है. तो यू नो, बाकी जब सो रहे होते हैं तो मैं ये सारे काम कर रही होती हूँ बैठ के, और लोगों को लगता है अरे क्या इन्फ्लुएंसर हो, बस क्या करते हो तुम. भैया काम होता है पूरा, 12-12 घंटे, 14-14, 16-16 घंटे काम करती हूँ मैं. मेरा टिकटॉक भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, और सब जगह को बैलेंस में चलाने के लिए भैया टाइम लगता है. कोई चला के देखो तो पता लगेगा, इन्फ्लुएंसर होना भी इतना आसान काम नहीं है. एंड यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी यू, यू हैव टू काइंड ऑफ मेक स्पेस इन पीपल्स हार्ट. ठीक है, आपको सही चीज़ को सही तरीके से कहना है. गलत चीज़ को सही बोलोगे तो आपको कोई बाद में पसंद नहीं करेगा. तो ये सब मैं करती हूँ. तो चलो आज बस मुझे ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं मतलब हाउ एम आई डूइंग एज एन इन्फ्लुएंसर, व्हाट डू आई डू, हाउ आई वर्क, हाउ आई मेक माय वीडियोस. तो ये सब चीज़ें अब आपको और भी देखने को मिलेंगी. अगर आपको मेरे ये टॉपिक्स भी पसंद है, अपार्ट फ्रॉम एयरलाइंस एंड कैबिन क्रू एंड लाइफस्टाइल, मेरा घूमना फिरना, उसके अलावा अगर आपको ऐसी भी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे बताइएगा. ये एक्चुअली ब्रांड एसोसिएशन वीडियो नहीं था यूट्यूब के लिए, दिस वॉज अ पर्सनल वीडियो फ्रॉम मी कि रात के इतने बजे मैं ये सारा काम कर रही हूँ और फैमिली उधर सामने वाले कमरे में सो रही है. सो आई एम डूइंग ऑल दिस. सो एनी वे, आज ये चीज़ आपके साथ शेयर करके मुझे बड़ा अच्छा लगा. आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे बताना मत भूलिएगा. मैं ममता सत्यवाल ले रही हूँ आपसे विदा, और आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द. कमेंट्स में आपने ये जरूर बताना है कि किस तरह की वीडियो, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो, तो वो टॉपिक्स को मैं नोट करूंगी और आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी. आज के लिए इतना ही. गुड बाय, बताओ, बाय बाय.